आज आज एक्चुअली हमारे साथ शशांक जी जुड़े हुए हैं और वो आपसे बात करेंगे। मेरे लिए अच्छी बात ये कि शशांक आपके आसपास के ही रहने वाले हैं, तो आपसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। आपको लोकल, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपसे एकदम लोकल तरीके से आपकी भाषा में बात करेंगे। तो बिल्कुल शशांक और सर, मैं, हम लोग एक दूसरे को शायद कितना, आई थिंक मोर देन 10 ईयर्स, राइट शशांक? ना ज्यादा हो गया, मतलब 2011 तक जानते नहीं। हाँ डेट हाँ लॉजिक यार, हाँ बिल्कुल। ग्यारह लाइक और हम लोगों ने साथ में हाँ सिनॉप्सिस में भी काम किया है, बट पहले शायद इंट्रैक्शन नहीं होता था। डेफिनेटली। तो उमेश जी, मैं और शशांक एक दूसरे को करीब 12 साल से जानते हैं और हम लोगों ने साथ में काम किया है, चाय साथ में पी है। आई मीन हम लोग घूमते थे, मतलब सो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे साथ यहाँ पे काम करते हैं कैलिफोर्निया में, और हाँ भोपाल से बिलोंग करते हैं, तो आपके आसपास के हैं, तो आपसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो और शशांक, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं कि अभी पिछले 1 महीने में बच्चों ने 26 जनवरी से पहले एक डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो हमारे स्मार्ट गांव से 4-5 स्कूल जुड़े हुए हैं। तो पहले तो जो बच्चे स्कूल लेवल पे कंपटीशन किया गया था, जिसमें कक्षा नर्सरी से शायद 2 तक एक ग्रुप था, तीन चार कक्षा 3 4 5 का शायद एक ग्रुप था, और 6 7 8 का एक ग्रुप था, और 9 से 12 का एक ग्रुप था। तो यही स्कूल 8 तक है, तो इसलिए 3 ग्रुप में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो 9 बच्चे जीते थे, हर ग्रुप से 3 बच्चे, और उन सारे 9 बच्चों ने फिर इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। उसमें से कक्षा 6 7 8 के ग्रुप में एक बच्चे को सेकंड स्थान मिला हुआ है, और दो तीन चार वाले ग्रुप में एक बच्चे ने जीता है, वो भी शायद सेकंड पे था। तो अभी इंटर स्कूल का एक फिर प्राइज सेरेमनी हुआ था शायद लास्ट वीक या उसके पहले। तो ये एक्टिविटी, और हम लोगों ने, मेरे एक मित्र हैं प्रकाश यहाँ पे, तो उनके साथ हम लोग एक सेशन कर चुके हैं। तो आप उसके बाद नेक्स्ट गेस्ट हैं, तो आप, तो स्टेज आपका है, आप बच्चों से बात करिए, बच्चों के कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप अपने बारे में थोड़ा लोकल टच ले सकते हैं, आप अपने बारे में बता सकते हैं। बेसिकली बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी है कि कक्षा 8 के बाद आई मीन क्या, कैसे आगे क्या इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, आप क्या मोटिवेट कर सकते हैं। बस ये है आपका स्टेज। जैसे मैंने बताया था कि मेरी पैदाइश भोपाल की है और मैं कक्षा 8वीं तक के भोपाल में पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर पिताजी का ट्रांसफर गुजरात हुआ था, तो फिर मैं गुजरात गया और बाकी की पढ़ाई मेरी वहाँ से हुई, इंजीनियरिंग वीनियरिंग, और फिर वहाँ से यहाँ आ गया। तो भोपाल में भी जो मैं स्कूल में जाता था, पहला स्कूल जो था वो काफ़ी, मतलब जैसा आपका स्कूल है वैसा ही स्कूल था। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप पूछेंगे टीचर को, टीचर को नहीं तो आप, हर एक के हाथ में मोबाइल तो होगा ही कि नहीं है? यस सर, हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ मोबाइल पे अब तो, मतलब अगर टीचर जवाब, मतलब इतने बच्चे हैं और एक ही टीचर है, तो कई बार टीचर को टाइम लगेगा जवाब देने के लिए। मोबाइल में आप पूछ सकते हैं सर्च करके, तो ऐसा है। तो जैसे मैंने बोला कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा है। अब आपको और कुछ, मतलब आपको पूछना है मेरे बारे में कि मैं बोलते जाऊं? कुछ पूछना सर से, अभी पूछना तो नहीं किसी को। हाँ सर, अभी नहीं अच्छा पूछना अच्छा तो उसमें ऐसा रहता है कि जब मैं पढ़ता था तब हम लोग, मतलब 8वीं तक की माध्यमिक रहती थी, उसके बाद फिर अपना हायर सेकेंडरी होती थी। तो जनरली अभी पता नहीं कैसा है, लेकिन हम लोग, मतलब 9वीं के टाइम पे, आप 10वीं के बाद आपको ये डिसाइड, नहीं 9वीं के बाद ही आपको डिसाइड करना पड़ता है कि 9वीं में कि आपको साइंस लेना है कि बायो लेना है। जो भी आप लोगे काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, जो भी आप लोगे उसमें काफ़ी स्कोप है, आपको जो भी करना है काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और अभी तो हर कुछ नया हो रहा है, तो
उस हिसाब से फिर मैंने साइंस में चला गया, फिर उसके बाद फिर मैंने 12वीं पास करी और उसके बाद इंजीनियरिंग करने चला गया। तो अभी मैं जहाँ काम करता हूँ उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे अभी जो मैं जिस कंपनी में हूँ उसमें तो हम लोग आपके मोबाइल के जो वो रहता है ना एंटीनाज आपको दिखते होंगे हर कहीं पे, तो वो मोबाइल के वो एंटीना के सिग्नल्स कैसे प्रोसेस करने के वो वाली चिप हम लोग बनाते हैं। इसके पहले तो आपने कंप्यूटर देखा है ना, कंप्यूटर के अंदर जो है एक अपने दिमाग अपने में जैसे एक दिमाग रहता है जो सारी चीजें प्रोसेस करता है, वैसे कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे रहता है एक प्रोसेसर, तो वो सब डिजाइन करते हैं। तो मोस्टली पिछले 22 साल से हम यही सब कर रहे हैं। अच्छा और क्या करते हैं, ये मेरा पहला सेशन है तो मैं भी ज्यादा तैयार नहीं हूँ, पर मतलब मैं ये सब करता हूँ। और तो और कुछ आप? अच्छा नहीं शशांक, आप थोड़ा अपने मतलब आप अपने भोपाल के जब आप कक्षा 8 तक पढ़ रहे थे, आप अपने उसके लाइफ के बारे में, क्योंकि बच्चे 8 कक्षा 8 तक के इस स्कूल में, तो आपको उस सिचुएशन में आपसे थोड़ा रिलेट कर पाएंगे कि मतलब जो आप पढ़ाई करते थे उस समय आप मतलब उस समय ही आपने कुछ डिसाइड किया था, या आप उस समय पढ़ रहे थे फिर धीमे धीमे नहीं, आपको ये आइडिया या इंजीनियरिंग में जाने का, ये सब थोड़ा अगर आप तो वैसे उसमें ऐसा कनेक्ट। था कि मतलब जैसे उस टाइम पे बचपन तो मतलब हर समय खेलने में जाता है ना, और पढ़ाई तो पढ़ाई होती थी साइड में, पर मतलब जनरली जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे मतलब दिखता गया कि ओके इंजीनियरिंग करना है यानी चीजें कुछ बनाना। पहले तो तोड़ने में इंटरेस्ट था, फिर तोड़ने के बाद फिर उसे जोड़ने में इंटरेस्ट था, उस हिसाब से इंजीनियरिंग साइड में आ गए। तो मतलब ऐसा कुछ हो रहा नहीं मेरा, मतलब ऐसा कि इंजीनियरिंग, पर हाँ उसके बाद से डिजाइन करने का शौक था तो उस हिसाब से इंजीनियरिंग तरफ चलते चले गए। और फिर उसमें इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आया, जैसे बोलते हैं कि अच्छा अभी तो आप छोटे हैं आप, लेकिन आगे जाके आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और वो सब आएगा, तो उस साइड में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट था साइंस साइड में, तो इसलिए फिर चलते चले गए वैसे। लेकिन अब जैसे एक से लेके 5वीं कक्षा तक तो जनरली मतलब खेलने कूदने में ही टाइम जाता था, सुबह उठ के प्रार्थना करने की और वो सब करने का, भगवान को धन्यवाद देते रहने का, और वो राह दिखाते गया और हम पहुंचते आगे चलते चले गए। कोई तो ऐसा था आपकी स्पेशल यादें भोपाल से जुड़ी हुई हो? भोपाल में मैं जब था तब तो मतलब ग्रास त्रासरी हुई थी वो थी, और मतलब हाँ एक्चुअली अब वही मैं यहाँ से याद करने की सोच रहा हूँ मैंने क्या किया था वहां पे। तो भोपाल में एक्चुअली किसी ने BHL का नाम सुना है, भेल का? तो अच्छा, तो जैसे अपन वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं अपना बिजली बिजली जहाँ से उत्पादन वो होते हैं ना, मतलब जैसे आप थर्मल प्लांट होते हैं बिजली जहाँ बनती है, तो मैं उस कंपनी, मेरे पिताजी उस कंपनी में थे तो मैं वहाँ पढ़ता था, और वहाँ पे हम लोग एक्चुअली हाँ मतलब कभी वो हो गया, मतलब मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग में पूरा बचपन खेलने और के सिवा मेरा और किसी में गया ही नहीं है, मतलब ऐसा। हाँ और तो घर में सब तो छोटा था तो इसलिए सभी लोग लाड़ प्यार से बड़ा करते रहे, तो अच्छा वैसा था। और फिर स्कूल, स्कूल कितने घंटे का रहता आप लोग का? हमारे वक्त पे तो 6 घंटे का रहता था, सुबह 7:30 से, हाँ सुबह 7:30 से 1:30 बजे तक रहता था। ₹4.5 घंटे का है सर। अच्छा 4.5 घंटे का है, तो क्या क्या मतलब जनरली मतलब 45-45 मिनट का एक पीरियड होता होगा कि एक दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ऐसा? नहीं नहीं सर, पीरियड के हिसाब से है सर, 40 मिनट का पीरियड होगा एक पीरियड अच्छा। और फिर हाँ मतलब हम लोग के वक्त भी ऐसे ही होता, हम लोग के वक्त पे 1-1 घंटे का रहता था, उसके बाद जनरली हम लोगों का वो रहता था कि एक ही टीचर 2-3 सब्जेक्ट लेती थी, तो
वो ऐसा चलता रहता था कि वो शायद एक ही मतलब शुरुआत में तो सब ऐसे होता है, गणित और इंग्लिश पता नहीं, मतलब अभी तो हिंदी होगी, हिंदी गणित और फिर वो होगा, तो जितना ज्यादा गणित में जिसको शौक है वो काफी अच्छे मतलब अच्छी चीज है गणित में, मतलब ना मतलब आप संख्याओं के साथ जितना खेल सकते हैं जिसको शौक है आप उतना काफी वो कर सकते हो आप उनका ऐसा। तो आप में से किसी मैथ्स कितने लोगों को पसंद है? क्या बात है, गुड 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 गुड। और अच्छा तो अब तक ओके, और जनरली हम ऐसा करते थे, पता नहीं मतलब आप लोग भी ऐसे करते होंगे कि अभी भी हमारे वक्त ऐसा होता था कि जब गर्मी की छुट्टियां होती थी उसके 2 वीक हमारे वो रहते थे, तो 2 वीक में वो आगे की कक्षा का थोड़ा दे देते थे, उसके बाद किताबों में आप खुद पढ़ते रहो। तो आप लोगों का भी अभी ऐसा होगा, अभी वहां पे कैसी गर्मी चल रही है? क्या हुआ, गर्मी नहीं है? अच्छा उमेश जी, आपकी आवाज म्यूट है। हाँ सॉरी सर। नहीं। हाँ सर, सेम प्रोसेस है सर लगभग। हाँ तो वही है फिर, मतलब ऐसा है। अच्छा बच्चों, आपको कुछ पूछना नहीं है? पूछ सकते बेटा। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा आपसे हाँ बोलिए। सर, बच्चों को थोड़ा गैस त्रासदी के बारे में बता दें। एक्चुअली आप भोपाल से हैं तो उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, उनको अच्छा पता ही नहीं होगा सर गैस त्रासदी है क्या सर। अच्छा उनको यही नहीं पता। हाँ बराबर है, मतलब ये सब बहुत छोटे हैं। इसमें ऐसा हुआ था कि अपन जो वो बनाते थे, मतलब अपनी गाड़ियों में जो सेल बैटरी आती है ना, अपना रेडियो ट्रांजिस्टर में जो लगती है, उसका एक कारखाना था यूनियन कार्बाइड का। और यूनियन कार्बाइड का भोपाल में था, और उसमें ये बनाने के लिए एक गैस यूज होती थी, और वो गैस जो थी वो लीक हो गई प्लांट पे से, और वो जहरीली गैस थी। उस हिसाब से काफी लोग उस टाइम पे मारे गए, पर काफी लोग बच भी गए। और वो प्लांट मतलब अभी तो बंद हो गया है, पर वो कंपनियां मतलब भारत में और दूसरी दूसरी जगह पे है। उस टाइम पे यूनियन कार्बाइड थी, अब शायद उन्होंने डाउ केमिकल्स में ले लिया है। तो कैसा था है, जब अपन कई बार ऐसा था खास काफी खांसी होती है, और फिर लंग्स वंग्स खराब हो गए थे लोगों के, तो वो हो गया था। तो आई थिंक 83 में हुई थी। हाँ 83 में हुई थी उस टाइम पे, या तो वो था। समझ गए सर लोग? यस सर। अच्छा क्या हो पूछ गया, बड़े शांत हो, कुछ पूछा नहीं है? सकते बेटा इसको जो पूछना हो। हाँ आ जी आप। शशांक, शशांक अब मैं ड्रॉप करूंगा, आप हाँ सर, सेशन कंटिन्यू रखो, ठीक है? डेफिनेटली उमेश जी मैं आपसे अभी, मुझे थोड़ा ड्रॉप करना पड़ेगा, मैं आपसे बाद में सिंक अप करूंगा, ठीक है? ठीक ओके सर, है, बाय शशांक, बाय बच्चों, मैं थैंक मिलता यू हूँ। सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पूछिए। नाम बता देना। यस सर, माय नेम इज दिया राय। हाय। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंग आपके टाइम से अब तक कितना ग्रोथ हुआ, मतलब एजुकेशन सिस्टम में, किस सिस्टम में ग्रोथ हुआ? एजुकेशन सिस्टम में आपके अकॉर्डिंग? एजुकेशन सिस्टम में देखिए, हमारे वक्त तो ऐसा था कि इवन हमारे पूरी इंजीनियरिंग कॉलेज तक के जो था टीचर काफी कम होते थे, पर अच्छे होते थे। तो एक बार पढ़ा देते थे, उसके बाद फिर लाइब्रेरी जितनी रहती थी उसमें जाके पढ़ते रहो। पर अभी आप देखोगे तो जो हम लोग पहले जैसे 7वीं 8वीं जो पढ़ते होंगे, वो आप लोग 4थी 5वीं में पढ़ते हो ऐसा, तो आप लोग ज्यादा स्मार्ट हो बस। तो ऐसा करते करते, और जैसे अभी और क्या बदलाव हुआ है इंडिया में, उस टाइम पे पीटी हुआ करती थी। आई थिंक सर, एक चीज और चेंज हो गई है। पहले जब चेंज सर दिया मेरा
स्कूल जाते थे वो पढ़ाई करते थे तो टीचर्स उसकी पिटाई भी कर देते थे, और अभी भी स्कूल में पिटाई रिस्ट्रिक्ट हो गई है, बच्चों को पिटाई नहीं होती है। अरे नहीं तो फिर याद कैसे रहता है लोगों को अगर पिटाई नहीं होती। बच्चे थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं सर, तो खुद ही लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हैं जी। मैं एक चीज और चाहूंगा कि अभी क्या है, बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं उमेश जी, राइट? यस सर। यदि आप चाहें तो बच्चों को उस डायरेक्शन में कुछ गाइड कर सकते हैं सर। यस सर, मेरी भी यही रिक्वेस्ट है, बच्चों को थोड़ा सी डायरेक्शन में अपन ज्यादा अच्छा बताएं बच्चों को, ताकि तैयारी इनकी अच्छी हो सके सर। अच्छा, आप कैसे पढ़ते हैं अब ये बताइए, याद कैसे करते हैं कोई भी चीज, मतलब याद करके पढ़ते हैं कि समझ के, समझने की कोशिश करते हैं? अच्छा, और अगर कुछ समझ में नहीं आता हो तो? समझ में नहीं आता तो टीचर से डाउट क्लियर करते हैं, या फिर अगर टीचर लाइक बिजी हो तो फिर फोन। हाँ नहीं तो ठीक है, मतलब आप जैसा करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जितने ज्यादा दिमाग में प्रश्न आएंगे उतने ज्यादा आपके मतलब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जितना ज्यादा आप ढूंढने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपको आता जाएगा। और जनरली ऐसा होता है ना कि आप जितना खुद से सीखेंगे, क्योंकि टीचर ने जो बताया वो आपको याद रहता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब, जनरली मैथ्स और फिजिक्स में तो ऐसा ही रहता है कि आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको कुछ, मतलब मेरा तो एटलीस्ट ये है, जब तक मैं खुद हाथ से नहीं करता हूँ तब तक समझ में नहीं आता, और एक बार कर लिया तो फिर वो दिमाग से कभी नहीं जाता है। तो इसलिए मतलब जितना ज्यादा आप क्लास में रहेंगे और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें ज्यादा अच्छी रहेंगी आपके लिए। और सभी सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, मतलब शुरुआत में अपने को ऐसा लगता है कि मतलब कुछ एक अपने, कई बार हम ऐसा करते हैं जो हमें जो आता है वही हम बार बार करते रहते हैं, और उसमें कोई मतलब उसमें नया सीखने का कुछ रहता नहीं है। तो मैं जब चालू करता था, मेरी अभी भी यही आदत है, मैं जनरली मतलब सबसे मतलब जनरली क्या होता है, जैसे आप कोई भी पुस्तक लेंगे तो शुरुआत में सब सिंपल रहता है, आप चैप्टर के आखिरी में जाएंगे तो वहां पे आपको सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, अगर आप वो सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर आगे का करने की जरूरत नहीं, मतलब वो आपको ऑटोमेटिकली आएगा। तो जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा है, एटलीस्ट मैंने ये किया हुआ है, तो उस हिसाब से आपको फायदा रहता है कि मतलब आपका टाइम भी बच जाता है और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाते हैं। नहीं तो वो क्या 1+1 फिर 1+2 और 1+3 वैसे ही करते रहेंगे, उसके जगह अगर 1000 और 10000 एकदम जुड़ने आ गए तो फिर था। और आप कैसे मतलब क्या किताब खोल के पढ़ते रहते हैं कि एक बार पढ़ लिया उसके बाद सोच के फिर वापस खोलते हैं? नहीं फर्स्ट वाला मतलब फर्स्ट वाला। अच्छा नहीं तो करके देखिए कि एक बार आपने पढ़ लिया उसके बाद फिर बंद कर दिया और फिर वो सोचने की कोशिश करिए कि ओके वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है किताब में, क्योंकि मतलब अगर वो आप ऐसा करेंगे तो मतलब आपको क्या दिमाग में और घुसते चला जाएगा, जनरली अपना होता है ना कि थिंकिंग स्किल्स ग्रो होने लगेंगे। सॉरी, थिंकिंग स्किल्स भी ग्रो होने लगेंगे। एग्जैक्टली वही है, थिंकिंग स्किल ही मेन है बेसिकली ऐसा, तो वो आप जितना आप करेंगे तो उतना सही रहेगा आपके लिए। तो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ ये दोनों छोटे बच्चे, क्या नाम है आप लोगों का? अच्छा तो साइंस में क्या, हाँ तभी फर्स्ट में तो साइंस में ही ठीक है, कोई जानवर के बारे में पढ़ा नहीं, क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, और तो आप कैसे करते हो पढ़ाई भी?
अच्छा बेटा, आप कितना कितना समय पढ़ाई करते हो, कितना समय खेलते हो? आप अपना अपना टाइम रूटीन बताओ थोड़ा सा हम लोगों को। बताओ बेटा, कितने घंटे पढ़ते हो आप, कितने घंटे खेलते हो सर, तो बताओ। एक घंटा पढ़ते हो? अरे वाह, क्लास फर्स्ट में आप एक घंटा पढ़ते हो, काफी पढ़ते हो। और पढ़ते पढ़ते खेलते नहीं हो कि मोबाइल देखते हो? नहीं पढ़ते हो? नहीं देखते मोबाइल? अच्छा, गुड, काफी सही है। पर हाँ, मतलब जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन खेलते भी रहो साथ में। एक घंटा पूरा पढ़ लिया, उसके बाद बाकी के 23 घंटे खेलने का, 8 घंटे सोने का, बाकी के जो बच रहा है खेलने का। टीवी देखते हो? नहीं देखते? अच्छा अच्छा, सही बात है। अच्छा, और आपको पूछना है कुछ? अच्छा, कुछ नहीं पूछना? कुछ तो पूछना होगा, नहीं पूछना बेटा? जो भी पूछना है पूछ सकते हो, यदि कुछ भी माइंड में आ रहा है कि सर ने कैसे पढ़ाई की, सर कैसे आगे बढ़े, कैसे इंजीनियर्स की उन्हें, ना जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, यदि आपको लगता है पूछना है तो पूछिए। यदि आप कुछ लगता है कि आप अपने साइड में कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए पूछ सकते हैं, या अपनी पढ़ाई हम कैसे और अच्छी करें इसके बारे में कुछ पूछना चाहें। आपको मैथ कैसे अच्छी लगी थी? आपको मैथ में क्या अच्छा लगता? बस यानी मैथ आपको कैसे अच्छी लगी? नहीं, मैथ मेरे को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि चित्रकारी आती नहीं थी, तो चित्रकारी आती नहीं थी इसलिए बचता यही था। और फिर उसमें ऐसा था कि संख्या के साथ खेलने में वो ज्यादा अच्छा रहता था। आप जाओगे तो भैया के एक दर्जन केले दो, अगर आपको गिनने नहीं आएंगे तो एक दर्जन कैसे पता चलेगा, वो 11 केले दे देगा। तो उस हिसाब से हमें, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगे। चित्रकारी आती नहीं थी और बाकी साइंस में भी इंटरेस्ट था, वो दोनों ही चीजों में था, तो बाकी और टीचर अच्छी थी इसलिए। आपको किस में इंटरेस्ट है? अच्छा, गुड गुड गुड। और आप कितना पढ़ते हो, कौन सी क्लास में हो आप? मैंने आपसे पूछा नहीं। मैंने क्लास थर्ड पहुंच गए, गुड गुड। तो कितने घंटे का स्कूल है आपका? आपका भी यही टाइम है? अच्छा 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 अच्छा। तो देखो, दो चीजें हैं, एक तो आप क्या किताब खोल के पढ़ते रहो, और दूसरा ऐसा है कि किताब में जो लिखा है वो जाके देखो, जैसे हैंडपंप कैसे चलता है, कभी आप लोगों ने सोचा? अभी तो आप छोटे हो, लेकिन आगे जाके सोचना कभी। या फिर पतंग कैसी उड़ती है, पतंग तो उड़ाते होगे ना आप लोग, हाँ? तो उस बारे में सोचना चालू करो, जो भी दिखता है वो कैसा हो रहा होगा उसके बारे में सोचना चालू करो। जब सोचोगे तो प्रश्न आएंगे, और प्रश्न आएंगे तो आपको फिर जिज्ञासा बढ़ेगी आपकी, और आपको उस हिसाब से सोचना होगा। ठीक है, सो और किसी का भी कोई प्रश्न है क्या बच्चों? और पीछे से यदि कोई, आप में से भोपाल कितने लोग गए हैं? उमेश जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, तो आई थिंक नेटवर्क इशू है सर। हाँ, कुछ भी नेटवर्क इशू लग रहा है उनका। यस सर, आ रही सर आवाज? हाँ, अभी ठीक है।
जी बेटा पूछिए। आओ सर, बोले मैं भोपाल गया। अच्छा सर, ये भोपाल होके आए हैं। भोपाल होके आए हैं? अच्छा, भोपाल में कहाँ कहाँ आपने, अच्छा क्या कर करना है, स्कूल की ट्रिप में गए थे या कि ऐसे किसी से मिलने गए थे आप? किसी से मिलने गए थे। किसी मिलने गए थे? क्या क्या देखा राजधानी में? अच्छा हाँ, तो आप बस से गए थे कि ट्रेन से गए थे? ट्रेन से गए थे। अच्छा 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 अच्छा, तो आप बीच में आपने क्या क्या मतलब कौन कौन से गांव थे और वो सब देखा आपने? भोपाल के रेलवे स्टेशन पे उतरे कि हबीबगंज पे उतरे? तो हाँ, तो अब जैसे देखो ट्रेन में भी, अब आप ट्रेन अब तो देखो ना, मतलब जैसे पहले ऐसा होता था लोग पैदल चल चल के जाते थे, उनको काफी टाइम लगता था, फिर घोड़े पे आए, घोड़े के बाद फिर ऐसे आए मतलब बस से चलने लगे, और फिर ट्रेन भी आ गई उसी टाइम। तो उसका जो कंबशन जो इंजन है बस का, उस बारे में भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, वो कैसी बस चलती कैसी या ट्रेन कैसी चलती है। तो अभी तो आप बहुत छोटे हो, पर आगे जाके जब पढ़ोगे ना तो काफी चीजें आपको पता चलेंगी, और फिर वैसी चीजें बनाना चालू करो, ठीक है ना। या अभी जैसे देखो पीछे पंखा चल रहा है, तो पंखा कैसे चल रहा है, बिजली चालू करी और पंखा चालू हो गया ऐसा? उसके अंदर भी एक मोटर रहती है, वो चालू करती है। तो आप पंखे के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा। और आपके टाइम पे तो मोबाइल वोबाइल काफी चीजें हैं जो आपको उसी समय जवाब बता सकती है कोई चीज कैसी हो रही है। हम लोग के वक्त पे किताबें हुआ करती थी, तो वो सबसे बड़ा एजुकेशन डिफरेंस आया अभी, क्योंकि हमारे वक्त पे ऐसे कुछ इंटरनेट था नहीं, किताबें हुआ करती थी और उसी में आप देखते रहो और ढूंढने की कोशिश करो, या तो फिर चीजों को तोड़ो खोल के देखो और फिर पता चलेगा कि वो शायद ऐसा हो रहा होगा। तो ऐसा, तो बिजली के झटके खाए किसी ने? सीरीज बना के हुए? अच्छा, सीरीज बनाते हो कि नहीं? दिवाली के भाई को बनाते हुए देखा होगा या पिताजी को बनाते हुए देखा होगा? नहीं सर, अब रेडीमेड आता है सर। अच्छा, चाइना का आ गया, आप नहीं बनाते सर? अच्छा अच्छा, नहीं तो हम लोग उस टाइम तो बनाते थे टेस्टर से, तो झटके लगते थे तो फिर मजा आता था ऐसा। अच्छा आप लोग बताइए, आप करते क्या हो फिर पूरे दिन? चलो चार घंटे तो स्कूल आ गए या पांच घंटे स्कूल आ गए, फिर खेलते कितने हो? अच्छा 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 अच्छा, हाँ देखो मतलब मैं बोलूंगा कि खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना, मतलब मेरे टीचर है आपको मतलब मैं बोल रहा हूँ मतलब, क्योंकि जितना आप खेलेंगे, क्योंकि दिन भर बैठे तो वैसे बैठे रहते हैं अपन लोग, मतलब जब तक आप खेलोगे, और खेलते क्या आप वीडियो गेम खेलते हो कि बाहर जाके खेलते हो? बाहर जाके। बढ़िया बढ़िया, वैसा है। अच्छा, और और आपको किसी को कुछ पूछना है कि भाई कैसे? आई थिंक बच्चों का अभी अभी एक कंपटीशन भी सर अभी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, साइंस कंपटीशन। तो पंडित जेपी तिवारी स्कूल से भी बच्चों ने साइंस कंपटीशन में पार्ट लिया है। गुड 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 गुड। क्या मतलब उसका मॉडल बनाने का था या क्या था? या बेसिकली ये जो वर्किंग मॉडल होते हैं साइंस के छोटे, जो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के बेस ऊपर डिजाइन होते हैं, तो वो हमने बच्चों को बोला था कि एग्जीक्यूशन मॉडल आप बनाएं उसका,
तो बच्चों ने उस पे काफी काम किया है, और अभी उमेश जी आपको बताएंगे कि कैसे बच्चों ने उस पे काम किया और कैसे पूरा ऑर्गेनाइज किया। उमेश जी आप बताना चाहेंगे? यस सर, सर बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है और अच्छा गैस भी नहीं कर सकते, मतलब उतना दिमाग कैसे चलता है। कुछ वो ऐसे चीज मांगते थे हमसे कि हाँ सर मैं ये चीज लाके दीजिए, तो बोले अच्छा तो नाम सुना ही नहीं, आप बताओ उसको क्या बोलते हैं कैसे है। बोले सर आप गूगल में सर्च करिए, वो आपको फोटो दिख जाएगा, आप वो लाके दे दीजिए। जो अच्छा तो क्या बनाया था बच्चों ने मॉडल में? जी आ रहा है इधर आ बेटा, सर को बताओ आपने क्या बताया था। अच्छा सॉरी आप वापस बोलेंगे? सुनाई नहीं दिया मुझे। अर्थक्वेक अच्छा अलार्म, अर्थक्वेक अलार्म, यस ओके हाँ वही मिल रहा। यस ओके ओके ओके, तो कैसे बनाया था आपने, उसमें क्या किया था? सर उसमें कॉपर वायर से सर्किट कंप्लीट किया। अच्छा अच्छा और पर मतलब वो ओके, और वेव्स कैसे डिटेक्ट कर रहा था? कि आपने कुछ मतलब कैपेसिटर रखा था, क्या रखा था उसमें? यस सर, बैटरी और सेफ्टी विंग अच्छा, गुड 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 गुड। हाँ और अच्छा तो कितने टाइम मतलब कितने महीने में बनाया था, कि एक हफ्ते में? हेल्प। गुड 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 गुड, सही है। और उसको टेस्ट कैसे किया फिर आपने, टेबल को टेबल हिलाया? को हिलाते ना। हाँ टेबल। गुड 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 गुड, सही है और बढ़िया। तो क्या मतलब, तो राहुल हर साल होता है ये जी कंपटीशन की मतलब? सर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि हाँ स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है, उसके अंतर्गत एक मेंटर प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं, जो पिछले अच्छा विगत एक साल से कंटिन्यूअसली स्कूल में चल रहा है, जिसके अच्छा अंतर्गत बच्चों को साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन, पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशंस, आर्ट कंपटीशंस, इस तरह के कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और साथ में मेंटर्स का एक पूरा सपोर्ट रहता है स्कूल को, कि इस स्कूल जैसे अभी हरिशंकर जी इस पर्टिकुलर स्कूल से कनेक्टेड है, ऐसे 4 स्कूल और हैं हमारे, तो वहाँ से भी अलग अलग मेंटर्स कनेक्टेड हैं, और वो उसको गाइड करते रहते हैं बच्चों को, टीचर्स को, अच्छा और अच्छा ये पूरा प्रोग्राम चलता है। इसके अलावा हमारे कोजू का जो कोडिंग कोडिंग बच्चों को कोडिंग सिखाने का एक प्रोग्राम चलता है अच्छा स्कूल में अच्छा अच्छा जी, अच्छा तो उसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चे कोडिंग भी वहाँ पे सीखते हैं। क्या बात उसमें टीचर्स को हमने पहले ट्रेन किया है, स्कूल के टीचर्स को एक पर्टिकुलर है। ट्रेनिंग मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, और देन फिर वो टीचर्स बच्चों को स्कूल में अपने लेवल पे गाइड करते हैं। अच्छा और जब यदि टीचर्स या स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो हमारे टीचर्स है कोजू के, वो उनको लगभग 15 दिन या 10 दिन में कभी भी एक इंटरेक्शन सेशन लेते हैं, और उनको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उनको गाइड करते हैं। तो ये इस तरह के अभी हमारे पास स्कूल के साथ कनेक्ट हो गए 2 प्रोग्राम इस पूरे मेंटरशिप में चल रहे हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं वही मतलब जो स्मार्ट गांव के जो रजनीश जी हैं उनके जी उनके साथ ओके वो सिनॉप्सिस में थे, पर मेरा मैं भी उन्हीं एक ही कंपनी में थे हम लोगों की, पर कभी बातचीत नहीं हुई हम लोगों की। मुझे हरी के जी थ्रू पता चला ऐसा जी स्मार्ट गांव के बारे में। तो जी फिर पिछले वीक उसने बोला कि आप बातें करेंगे क्या बच्चों के साथ, मैं कहा बातें तो कर लूंगा, तो ये हो गया। तो ऐसा था, तो ऐसा था। तो डेफिनेटली सर, यदि आप कंटिन्यूअसली हम लोग के साथ कनेक्ट रहेंगे और बच्चों को मोटिवेट करेंगे, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब पता नहीं आज मैं कितना मोटिवेट कर पाया, पर जो भी है मतलब ऐसा। नहीं सर, अपना एक्सपीरियंस बच्चों से शेयर करना ही उनको एक ऑटोमेटिक उनको मोटिवेट कर देता है, यदि एक इस तरह की पर्सनालिटी उनसे इंटरेक्शन करती है, तो डेफिनेटली स्कूल और बच्चे मोटिवेट होते हैं उसको लेके। और यदि लाइफ एक्सपीरियंस हम यदि बच्चों को शेयर करें, तो वो भी उस जर्नी को थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को रिवेनेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नहीं डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ
नहीं डेफिनेटली, मतलब आज वो ऐसे ही बोल रहा, वो मुझसे बोल रहा था कि मतलब ओके, उसे पता था मैं मध्य प्रदेश का हूँ, जी तो फिर उसने बोला ये दमोह जिला मैंने सुना था कभी, मतलब नाहोटा का नाम नहीं सुना था, पर दमोह मतलब कभी जिले में सर कभी। नोएडा एक छोटा सा गांव है अभी, हाँ और वहां पे उमेश जी के द्वारा बहुत अच्छे से इस स्कूल को संचालित किया जा रहा है, और अच्छा काफी अच्छी स्ट्रेंथ है स्कूल में, और इंग्लिश मीडियम स्कूल है रूरल एरिया में पहला, मतलब काफी अच्छे से बच्चों को वहाँ पे लर्निंग दी जा रही है। तो फिर स्मार्ट गांव ने इस स्कूल के साथ कनेक्ट किया, और अब स्मार्ट गांव की साइड से भी स्कूल को टाइमली सपोर्ट किया जाता है। डेफिनेटली डेफिनेटली बढ़िया। तो या मतलब डेफिनेटली मतलब जैसे मैंने बोला कि हाँ, मतलब मेरा तो मतलब ऐसा है कि हरी के साथ मैं बात कर लूंगा, और फिर मतलब जब भी मतलब मैं रेगुलरली ज्वाइन हो सकता हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है मतलब, पर वही है कि मतलब हाँ बच्चों को, हाँ मतलब बात करने में मुझे तो अच्छा ही लगेगा ऐसा। बेसिकली इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बच्चों को चाहते हैं कि बेसिकली एजुकेशन लेवल पे तो स्कूल डेफिनेटली उनकी मदद करता ही है। हमारा डेफिनेट ऑब्जेक्ट ये है कि हम उनको लाइफ स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल, जो जनरली जो गैप होते हैं बच्चों के, जो एक शहरी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और एक रूरल एरिया में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको वो फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकें किसी भी तरह से, चाहे वो लाइफ स्किल्स से रिलेटेड हो या कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड हो, या उनके किसी प्रकार के जो उनको बेस्ट बनाने में सहायक हो, तो हम उन उस डायरेक्शन में काम करने का प्रयास करते हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। डेफिनेटली डेफिनेटली हाँ मतलब मैं जो मतलब हाँ मतलब मेरी मेरी मतलब मेरी तरफ से जो भी हो सकता है डेफिनेटली आई वुड बी इंटरेस्टेड इन डूइंग इट डेफिनेटली। डेफिनेटली सर। सो स्टूडेंट्स, या सर से आपके और भी कुछ प्रश्न हैं, यदि आप चाहते हैं कि सर आपके प्रश्नों का कुछ उत्तर दें, तो आप प्लीज अपने हैंड रेज करें वन बाई वन, और जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं सर से। एनीवन, कोई भी। पिछले पिछले सेशन में एक बच्चा, हाँ आइए आइए, गुड, वेरी गुड, पूछिए बेटा पूछिए, आपका वॉइस नहीं आ रहा है बेटा। बोलो। गुड मॉर्निंग सर। हे हे, पूछिए बेटा आप। गुड मॉर्निंग। करियर में इतने आगे कैसे आए? सॉरी सर, वो पूछ रहे आप अपने करियर में इतने आगे कैसे आ गए सर। पढ़ाई करके, पढ़ाई की और किस्मत का भी थोड़ा साथ रहा, और बस लोगों की दुआओं के साथ पढ़ाई करते रहे। डेफिनेटली पढ़ाई करके मतलब जितना आप, मैंने पहले जैसा पहली चीज जो आपने करी कि आपने आके क्वेश्चन पूछा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हर किसी से यही पूछते रहिए आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो, कि ऐसा कैसा होता है, ये ऐसा कैसा होता है, और उस हिसाब से आपको और ज्यादा पता चलता चला जाएगा, तो और ज्यादा प्रश्न आएंगे और उस हिसाब से आप आएंगे। तो अभी आप क्या करते हो, कौन सी कक्षा में हो, सेकंड किसमें? सेकंड ओके, सेकंड में है। अच्छा, हाँ तो सेकंड में आप, तो सेकंड में आप क्या पढ़ते हो अभी? साइंस। साइंस, और साइंस में क्या है? कुछ भी, ठीक है, एक काम करेंगे, ठीक है, अगली बार मैं देखूंगा आपकी किताब में क्या है, फिर अपन उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, बेसिकली बेसिकली साइंस में बेटा जो अपने तरफ अपने, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा?
नहीं, मेरा ये कहना था कि चारों तरफ जो भी है सब साइंस ही तो है हमारे, यदि हम हर छोटी बड़ी किसी भी चीज को यदि हम ऑब्जर्व करें तो उसके पीछे डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइंस है। चाहे यदि आप जो सांस ले रहे हैं उसमें भी एक साइंस है, आपकी जो बॉडी है वो भी एक पूरी साइंस है ना। यदि आप कंघी करते हैं और बालों में तेल लगाते हैं वहां भी कुछ ना कुछ साइंस है, ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो यदि आप उन चीजों को साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें साइंस के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, या फिर जैसे आपने देखा था ना आइंस्टीन ने कैसे कैसे फेमस हुए आइंस्टीन, आपको पता है? देखिए, पेड़ से एक सेब गिरा था ना, पेड़ से एक सेब गिरा, उन्होंने सोचा कि ये पेड़ से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम सोचते हैं, इस पे विचार करते हैं, फिर उसको सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, तो वही तो साइंस है, उसकी खोज करना है ना। तो जिज्ञासा जितनी होती है वही नए आविष्कार की जननी होती है, राइट। हाँ, तो जितनी आप सोचेंगे, जितनी जिज्ञासा रखेंगे, उतना आप नया या फिर डिस्कवरी कर सकते हैं, राइट। डेफिनेटली, वही मैम। ठीक है बेटा, यदि और कोई बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं, अभी अपने पास लगभग 15 मिनट का समय और है। Hey, good morning. आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी क्या है? मैं गाने काफी सुनता हूँ। आप सुनते हो गाने भी सुनते हो? अच्छा, मैं जनरली वही मतलब गाने काफी सुनता हूँ और वो और जन हाँ और या तो मैं कुछ पढ़ता रहता हूँ, किताबें, दो चीजें ही, और बाकी का काम रहता है, तो वहाँ पे भी काफी पढ़ाई करनी पड़ती है। मैंने मतलब बचपन में ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, इसलिए मुझे अभी भी करनी पड़ रही है। बेटा, आपकी हॉबी क्या है? आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी रीडिंग है। रीडिंग है? क्या पढ़ते हो आप? स्कूल की जो बुक्स हैं उसके अलावा आप क्या पढ़ते हो, ये बताइए। जब हम लोग स्टडी करते हैं ना सर, एक्चुअली क्या है कि उस समय कॉमिक्स बाजार में बहुत आती थी। गर्मी की छुट्टी जैसे ही होती थी तो हम लोग जस्ट जाते थे और कॉमिक्स परचेज करते थे, और वहां पे रेंट पे भी कॉमिक्स मिलती थी हमारे एरिया में, तो 1 रुपए 2 रुपए 50 पैसे में हम लोग कॉमिक्स लाते थे और उसको पढ़ते थे, दिन भर पूरी गर्मियों की छुट्टियां उसी में बिता देते थे। वही, और कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते कच्चे आम खाने के मेरे वो नमक मिर्च लगा के तो अभी तो थोड़ा सब चेंज हो गया है। सर, आप पूछ रहे थे कि क्या चेंज आया है स्कूल और एजुकेशन में, तो इतना सारा चेंज आ गया है कि बच्चे अब कॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं, बच्चे अब ग्राउंड में खेलने नहीं जाते हैं ज्यादा। रूरल एरिया के तो जाते भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अर्बन एरिया में ऐसा कुछ इतना ग्राउंड भी बचे नहीं है शायद। हाँ, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसपे हमें फोकस करना चाहिए, और यदि कुछ हो सकता है तो उस डायरेक्शन में हम करना चाहिए। तो खेलकूद में क्या करते हैं अभी? खेलते हैं बच्चे मतलब कैरम और वो सब भी खेलते हैं, कबड्डी वबड्डी। बेटा, आप लोगों के स्कूल में कौन कौन से गेम खिलाए जाते हैं बताएंगे आप लोग? आप लोग कौन कौन से गेम खेलते हैं स्कूल में?
कोई बता दो, जो जो खेलता है वो बताएगा, ठीक है, जो नहीं खेलता वो नहीं बता पाएगा, राइट। क्रिकेट खेलता है कोई कि नहीं खेलता? खो खो खेलते हैं, कबड्डी। क्या बात है, खो खो खेलते हो, और उसके बाद फिर नहीं एक वो भी होता है ना, पता नहीं उसको आपके होता है वो, सब मतलब बॉल से वो मार पिट्टू और उसे बोलते थे एक के ऊपर एक पत्थर जमाने के, टीपू। हाँ टीपू, टीपू पिट्टू, पिट्टू क्या बोलते थे। हाँ, रूरल एरियाज में सर बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जो अच्छी खेलते हैं, और हाँ उनके नाम नहीं, हाँ उनके नाम शायद नहीं बता पा रहे होंगे। डेफिनेटली 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 डेफिनेटली, बट खेलना जो है बॉडी की एक्सरसाइज एक बहुत जरूरी पार्ट है। जब भी आप यदि आप खाना खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करने के लिए यदि आप एक जगह बैठ जाते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं खाना खाने के बाद, तो वो भी एक थोड़ा सा हेल्थ पे इम्पेक्ट डालता है। तो बच्चों को ये भी हम बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने एक रूटीन बनाएं कि किस तरह से आपको खाना है, किस तरह से पीना है, किन चीजों को खाना है ताकि आपकी बॉडी हेल्थी रहे, इस पे जरूर फोकस करिएगा पढ़ाई के साथ साथ आप लोग। डेफिनेटली। सब्जियां कौन कौन खाता है? कौन सी? आई थिंक पालक, मेथी, क्या बात है, सही है सही है सही है, गुड गुड गुड। आई थिंक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कौन 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 सी सब्जी नहीं खाता है। उसमें एक बंदे कौन सी नहीं खाता है, वो हाथ खड़ा करके रखा हुआ बच्चे ने, कौन क्या नहीं खाता बेटा, एक एक करके बताओ हमें। बैंगन, शिमला मिर्च नहीं खाते? अच्छा, उसका टिफिन आता सर तो लंच नहीं करता, बोला मैं नहीं खाना बैंगन की सब्जी या शिमला मिर्च। फिर घर पे जाके मम्मी डांटती है। Yes, शिमला मिर्च में मिर्च नहीं होता बेटा। और बताओ भाई कौन क्या नहीं खाता? आप क्या नहीं खाते हो? क्या हो जल्दी 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 क्यों नहीं? हे गुड मॉर्निंग, कौन सी सब्जी पसंद नहीं है आपको? करेला। करेला और उसके बारे में ढूंढो, वो कड़वा क्यों होता है करेला, आपको पसंद नहीं ना? क्यों पसंद नहीं है बताओ? सही है, हाँ कड़वा लगता है, हाँ इसीलिए मैं बोला वो कड़वा क्यों रहता है पता करिए आप। तो ऐसा गुड 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 गुड। चलो आप क्या नहीं खाते बताओ सर, तो गुड मॉर्निंग सर। ही गुड मॉर्निंग, ही गुड मॉर्निंग सर। लौकी नहीं खाते? लौकी नहीं खाते? अच्छा, क्यों पसंद नहीं आपको? क्या हुआ? सॉरी मैंने सुना नहीं, कड़वी रहती बोल रहा है लौकी। नहीं नहीं लौकी बेटा कड़वी नहीं रहती है, मैं बताता हूँ, मैं भी लौकी नहीं खाता था लेकिन मैं लौकी नहीं खाता था लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लौकी सबसे हेल्दी फूड है, पता है? लौकी जैसा एल्कलाइन फूड है नहीं। यदि आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ रही है ना, तो आपको लौकी जरूर खाना चाहिए, है ना। और लौकी लौकी आपको डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाती है, कोई भी सब्जी इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती तो उतनी जल्दी लौकी डाइजेस्ट होती है, और बहुत सारी बीमारियों में लौकी बहुत काम में आती है, चाहे
हार्ट की बीमारी हो या किडनी की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, बहुत बेनिफिट है लौकी, तो आपको लौकी जरूर लेना चाहिए। ठीक है, मैं पिछले 6-7 साल से लगातार एक टाइम लौकी खाता हूँ। लौकी खाता हूँ हाँ, लो। हम लोग यहाँ लौकी को दूध ही बोलते थे जी। गुड मॉर्निंग। लेडी फिंगर नहीं खाते हैं? अरे भिंडी नहीं खाते हो आप? क्यों? नहीं, कुरकुरी भिंडी भी बनती है, थोड़ा सा उसको गरम करना पड़ता है। हाँ, कुरकुरी करके खाइए आप, चिपची नहीं रहेगी। जितनी ज्यादा हरी सब्जियां खाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ, भिंडी में आयरन बहुत होता है। ठीक है, आयरन बहुत रहता है, मजबूती के लिए बहुत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। सर ये फटने की बारी है सर, बहुत एक्टिव बेटी है सर, इनकी अपने जिया जैसे कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। हाँ बोलिए। सर बेटर लाइफ स्टाइल के लिए यूएस जाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अभी तो अपने वहां पे ज्यादा काफी चीजें हो गई है। वो आप पूछ सकते हो कि मैं यहाँ क्यों आया, बट ऐसी कोई जरूरी नहीं है ऐसा। उस टाइम पे इतना कुछ इंडिया में था नहीं, लेकिन अभी तो इंडिया काफी डेवलप हो चुका है डेफिनेटली। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टीचर बनने के लिए क्या? सॉरी सुना नहीं बेटा, आप वापस बोलो बेटा। टीचर बनने के लिए क्या करना? टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले तो आपको पूरी पढ़ाई खत्म करनी पड़ेगी, उसके बाद टीचर का एक कोर्स आता है बीएड, वो लेना पड़ेगा। और फिर वो खत्म करने के बाद पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती हैं और कौन से स्टेज पे पढ़ाना चाहती हैं। जैसे एलिमेंट्री में पढ़ा, मतलब जैसे प्राथमिक में पढ़ाने की अलग होती है, माध्यमिक में अलग होती है, और फिर हायर सेकेंडरी पे अलग रहता है। तो आपको कौन से लेवल पे पढ़ाना है उस हिसाब से आपको कोई सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, और फिर आपको उसमें पूरा आपको, या मतलब अगर फिजिक्स करना है तो फिजिक्स में आपको, आप हर एक जगह पे कैसा रहता है कि हर एक स्टेट की अलग रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई ओके आपको मेन कोर्स के सिवा भी आपको एजुकेशन का बीएड, मेरे हमारे वक्त शायद बीएड होता था तो बीएड करना पड़ता था, और फिर आपको मतलब उसमें हाँ मतलब वो करना पड़ेगा आपको। तो पहले तो आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है और कौन सी कक्षा में पढ़ाना है। आई थिंक एक चीज और करना पड़ेगा, पहले आपको अपनी क्लास का जो भी पढ़ रहे हैं आप खुद पढ़िए, और अपने साथी और अपने जूनियर्स को भी थोड़ा सा पढ़ाने का ट्राई करिए अपनी अपने लेवल पे, तो आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप भी होने लगेगी कि आप पढ़ाते कैसे हैं और चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि टीचिंग में दो चीज़ें ज़रूर रहती हैं, पहली तो खुद समझना, और दूसरी एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दूसरों को समझाना कि हम अपनी बात दूसरों को किस तरह से समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे। तो इस पे जरूर आप फोकस करिएगा, यदि आप खुद पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन जो आपने पढ़ा है वो दूसरों को भी पढ़ाने की पहले कोशिश करें और उन्हें समझाने की कोशिश करें, तो अपने आप आपके अंदर वो स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी और फिर आप आगे जाके अच्छे टीचर बन सकते हैं। ओके बेटा। गुड मॉर्निंग। पुलिस बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ऐसा? तो पहले तो आप बताइए, आप मम्मी पापा झूठ तो नहीं बोलते? गुड, तो फिर मतलब अच्छा पुलिस बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे मैंने बोला कि आपको पहले तो पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, पुलिस में भी क्या अलग अलग
दर्जे होते हैं बराबर, पुलिस एक तो कांस्टेबल होता है, फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर होता है, फिर ASI होते हैं, अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस लगती हैं। तो आपको मतलब आपको किस लेवल पे जाना है वो डिसाइड करना पड़ेगा, उसकी फिर एक एग्जाम भी होती है कि मतलब हम लोग के वक्त पे शायद UPSC बोलते थे या MPSC बोलते थे, वो एग्जाम देने के बाद वो आप सिलेक्ट होते हो, फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर आप बनते हो ऐसा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। हे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बैंकिंग के बारे में बताइए। बैंकिंग के बारे में आपको ओके अलग अलग ओके अलग अलग बैंकिंग के जैसे होता है ना, जैसे आपके वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी शाखाएं हैं, पर जनरली अपने हिंदुस्तान या इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है ना। और बैंक वो क्या करता है कि मतलब उसमें भी दो प्रकार के बैंक रहती है, एक शेड्यूल बैंक रहती है और दूसरी कोऑपरेटिव बैंक टाइप की रहती है, वो भी शेड्यूल हो सकती है। उसमें ऐसा होता है कि आप पैसे जमा करते हो, फिर जिसको लोन लेना रहता है वो सबके पैसों के इकट्ठे करके वो उनको लोन देता है, और जो लोन लेता है वो इंटरेस्ट देता है उससे। मतलब कैसे क्या कि अगर मैंने 100 रुपये लिए हैं तो मैं जब तक 100 रुपये वापस नहीं करूंगा तब तक हर महीने का 1 रुपया 2 रुपया देता रहूंगा, और उस हिसाब से बैंक अपना पैसा कमाते हैं। फिर बैंक कैसे रहती है, जैसे कोऑपरेटिव रहती है, कोऑपरेटिव में ऐसा रहता है कि आप आपस के लोग मिलके बैंक बनाते हैं, जैसे आपके गांव में होगी सहकारी बैंक, तो उस बैंक में ऐसा रहता है कि, और दूसरी बैंक प्राइवेट बैंक्स रहती हैं जैसे ICICI, एक्सिस और कौन सी है, HDFC, काफी बैंक्स हैं ये सब। तो और जनरली सब बैंक का कंट्रोल जो है वो RBI करता है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है उनके पास से पहले। तो आपको इंटरेस्ट है बैंक खोलने में कि बैंक में काम करने? देखिए बनेंगे बड़े होकर। गुड 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 गुड। और सर मतलब कॉमर्स जरूरी है बैंकिंग करने के लिए कि कोई सब सब्जेक्ट? नहीं, कॉमर्स आपको करना पड़ेगा बैंकिंग के लिए, मतलब हाँ मैथ्स जनरली रहता है, मैथ्स आपको मैथ्स और उसके बाद फिर कॉमर्स साइड में आपको, क्योंकि जनरली वहाँ पे आपको क्या पहले तो चार्टेड अकाउंटेंसी का करना पड़ेगा और वो सब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या वो टेबल बनाने पड़ते हैं ना कि कितना पैसा आया, कहाँ गया, कितने पे कहाँ खर्च किया, तो ये करने के लिए आपको तो सीखना पड़ेगा थोड़ा, पर इतना भी टफ नहीं है, हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है सर। IAS बनने के लिए क्या करना पड़ता है? IAS बनने के लिए पहले तो आपको पारी मतलब हायर सेकेंडरी पास करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद फिर IAS का एक एग्जाम होता है वो देना पड़ता है, वो देते हैं, फिर आप मतलब आपको कलेक्टर लेवल के उस लेवल पे आपको जाते हो, आप मजिस्ट्रेट कलेक्टर लेवल पे शायद। राहुल बताना है अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ दोबारा, तो ऐसा नहीं सर, IAS का एग्जाम ही देना पड़ता है बेसिकली। IAS का एग्जाम देना पड़ता है। दो तरह से हो सकते हैं, पहले तो यदि स्टेट लेवल पे यदि MPPSC दे रहे हैं तो आप ये डिप्टी कलेक्टर की रैंक पे जा सकते हैं, और फिर प्रमोट हो गए उसमें लगभग 10 साल का समय लगता है, देन फिर आप कलेक्टर बन सकते हैं यदि आपने और अदरवाइज फिर आपको डायरेक्ट IAS ही देना पड़ेगा, डायरेक्ट कलेक्टर बनने के लिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसमें ग्रेजुएशन होती है, तो आपको लगभग BA, BSc या BCOM की लगभग एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, कॉलेज से स्कूल पास करने के बाद, और देन फिर आप उस एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम को, और उसमें भी एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू में जब आपका सिलेक्शन होता है तब फिर आप IAS बन सकते हो, उसकी फिर ट्रेनिंग होती है और फिर आप कलेक्टर का पदभार लेने के लिए एलिजिबल होते हो किसी जिले में। डॉक्टर बनने के लिए तो पहले तो आपको हायर सेकेंडरी करनी पड़ेगी, उसके बाद क्या 5 साल का कोर्स होता है MBBS, उसकी एंट्रेंस एग्जाम होती है, फिर उससे आप हो गए तो फिर वो 5 साल का कोर्स करेंगे,
उसके बाद फिर आप फिर एमडी मतलब उसके बाद फिर आप कहीं पे भी डॉक्टरी शुरू कर सकते हैं या फिर और आगे जाके पढ़ेंगे। तो पर काफी अच्छी लाइन है और शरीर के अंदर सब कैसा होता है वो सब जानने को मिलता है। और इनको बताइए सर पढ़ना पड़ता है? बिल्कुल नहीं पढ़ती सर ये लड़की सर। मैंने पढ़ा डॉक्टर बनना है पढ़ेगी पढ़ेगी डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पढ़ाई चेक करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती और बहुत सारे नाम याद रखने पड़ते हैं। हाँ सर कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी बताया ना सर, अभी बताया, सुनते नहीं हो आप लोग। चलो पूछो, बता दीजिए सर एक बार और बता दीजिए सर। कलेक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको ये मतलब जैसे हायर सेकेंडरी आपको पास करनी पड़ेगी बराबर, यानी ये आपकी बारहवीं पास करोगे आप, उसके बाद आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा जो मतलब अगर आप बीएससी बीए करते हो तो 3 साल का कोर्स होगा, या फिर अगर इंजीनियरिंग करते हो तो 4 साल का। और उसके बाद फिर आपको एक एग्जाम देनी पड़ेगी और फिर वो एग्जाम दोगे आप, उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और फिर आपको कहीं पे कलेक्टर बनने। आपको क्या बनना है कलेक्टर? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। नहीं मैंने कलेक्टर क्यों बनना है? कलेक्टर क्यों बनना है आपको? और कुछ बन सकते हो ना बताओ सर। नहीं बराबर अच्छा किया आप पूछ रहे हो, वही सबसे बड़ी बात है ऐसा। थैंक यू ओके सो और अभी प्रश्न है क्या कि नहीं है? और किसी को तो नहीं पूछना कुछ? अरे सर एक बेटी और है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मॉर्निंग सर। हे मॉर्निंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का क्या फर्क है? अब देखो इसमें ऐसा होता है ना कि इंजीनियर आप बन गए इंजीनियरिंग ओके हर एक की अलग अलग वो मतलब शाखा होती है मतलब नहीं। हाँ सर इसने ये पूछा है कि इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या डिफरेंस है सर? नहीं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब इंजीनियर, पर उसमें ऐसा है कि वो मतलब जो प्रोग्राम लिखते हैं ना कि अपन मतलब कैसे बताऊं मैं आपको okay. कोडिंग बच्चे सीख रहे हैं कोडिंग रिलेटेड जो वो रहता है वो सॉफ्टवेयर वाले करते हैं और बाकी इंजीनियर जो मैकेनिकल होता है वो डिजाइन करता है मशीन है ऐसा। देखो बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो होता है जो ऐसे ऐसे कोडिंग लिखता है जिनको अपन टच नहीं कर सकते राइट। हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर में अंतर है ना वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हार्डवेयर इंजीनियर में अंतर है। हार्डवेयर इंजीनियर चीजों को हाथ में लेता है उनको प्रैक्टिकल करता है ना इस तरह से काम करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ कंप्यूटर में बैठ के टाइपिंग करके ही बहुत सारी चीजें कर पाता है। बहुत सही कर पाता है। उसमें हो गया एक पूरी प्रोसेस रहती है, आप पहले प्रोग्राम लिखते हो फिर वो कंपाइल होता है और फिर मैंने बताया था ना जैसे अपने दिमाग चलाता है अपना दिमाग चलता है वैसे वो प्रोसेसर पे जाता है और फिर प्रोसेसर चीजें करता है वो फिर दूसरी चीजों को कंट्रोल में करता है और फिर उस हिसाब से चलता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काफी एप्लीकेशन है मतलब आप एप्लीकेशन लिख सकते हो ऐसा। तो होपफुली समझ में आया, नहीं तो मैं आपको वापस समझाता हूँ। थैंक यू बेटा। उमेश जी अब हम इसको कंक्लूड करेंगे, यदि आप कुछ पूछना चाहें सर से तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, सर के लिए बहुत बहुत थैंक्स सर, जो आपने इतना समय हमारे स्कूल के बच्चों के लिए दिया हम लोग के लिए दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे नहीं मेरे तो वैसे भी अभी यहाँ पे छुट्टी चालू हो गई है वीकेंड, तो डेफिनेटली मतलब मुझे तो मतलब शनिवार को बच्चे आए पूछे मेरे से मिलने के लिए, मुझे इसी में काफी खुशी है। डेफिनेटली ठीक है या थैंक यू शशांक सर स्मार्ट गांव से। हाँ धन्यवाद आपके लिए बहुत बहुत ना, आपने समय निकाला। थैंक यू उमेश जी फॉर अरेंजिंग। थैंक यू सर। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू।
ओके बाय बाय।